सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो रीडिंग है वो है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो उनके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि किसी को भी पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है, ठीक है, वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाके आप मुझे वहाँ से मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नॉट एक्सेप्टेड। और आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और डोंट वरी, सारी चीज़ें सही हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, मैं रिप्लाई करूँगी आपके मैसेजेस का। और एक बात और, जिनको जेन्युइनली रीडिंग करानी है, सच में जो रीडिंग कराना चाहते हैं, केवल वही लोग मैसेज करें मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी फालतू में बेवजह मैसेज करे। तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग सच में करानी है, बस वही मैसेज करे, ठीक है। तो और एक और बात, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, पेड रीडिंग्स हैं सारी। तो कोई ये ना कहे कि मैम मेरी प्लीज़ आप फ्री रीडिंग कर दो, मैं नहीं दे सकता ये वो चीज़ें। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, पेड रीडिंग्स हैं अवेलेबल, फ्री रीडिंग्स नहीं है, ठीक है। तो पाइल वन है हमारे पास येलो, ठीक है, ये येलो टाइप का ही है, हल्का सा उसमें ग्रीन मिक्स है, और ये है ग्रीन। दो आपके पास पाइल हैं, ठीक है। तो आपको जो कैंडल अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको सिलेक्ट करो, फिर हम बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं पाइल वन, जिन्होंने ये येलो कैंडल से शुरू सेलेक्ट किया है, तो उनके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, जो लोग लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। गुड लक। ओके, तो यू आर लर्निंग समथिंग, लेकिन आप कहीं ना कहीं उदास हैं, ठीक है। आप नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना नज़रिया चेंज कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो गुड फॉर यू। मुझे लगता है कि आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है, कि उस पर्सन से अगर नो कॉन्टैक्ट है, जब मुझसे वो खुद ही कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ, इससे अच्छा है अपनी लाइफ बनाओ। तो यस, अब आपका सही रास्ता है, ठीक है, अब आप सही रास्ते पर जा रहे हो। तो आपने जो सीखा है अपनी लाइफ से, उसको सीखना है, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने झेला है, झेलना नहीं, इसको सीखना कहते हैं। कि आप लोगों पे अंधे होके विश्वास कभी ना करें, ठीक है। अभी आप उदास हैं, डेफिनेटली उदास हैं, लेकिन सामने वाला, मैं बता दूं, सामने वाला भी फील यही करता है, थोड़ा सा उसको ना फील हो रहा है कि यस, उसने चीट किया है आपको, उसने गलत किया है, तो डेफिनेटली वो उसको थोड़ा सा फील होने लगा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल बात बंद कर दी है, तो सही है, सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपनी लाइफ से बड़ी किसी के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करना क्या अच्छी बात है, नहीं ना। तो आप अपनी लाइफ में जितना आगे बढ़ोगे, वो इंसान उतना ही सोचेगा ना आपके बारे में, इसलिए आपको पहले अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। मुझे क्या लगता है कि आपके पास ना कई ऑफर्स हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में मैं बता दूं, आपके लिए नए नए ऑफर्स आ सकते हैं या आ रहे होंगे, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि कई लोगों के लिए ऑफर हैं शादी के, लेकिन वो अभी आप लोग ना डिसीजन नहीं ले रहे हो, लेकिन ये गलत कर रहे हो, आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो नया ऑफर आ रहा है आपके लिए, वो बेस्ट है, बेस्ट, उससे तो कई गुना अच्छा है। तो मेरे को लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए इस मोड में, क्योंकि देखो, सामने वाला पर्सन अगर आपसे इतने दिन से बात नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो वापस आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आएगा भी, तो क्या अगर वो सिचुएशन में कहीं स्टक हो गया होगा, तो ही आएगा ना। इसलिए मैं आपसे जो बोल रही हूँ, आपके पास जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। आप देखो तो एक बार ही, देखो अभी ना धीरे धीरे लाइफ में ग्रो हो रही है आपकी। अब आपको ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, जहां बुरा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको लग रहा था कि अब मैं क्या ही करूं, कि मेरी दुनिया में कुछ है कि नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि अभी आप उस चीज से बाहर आ रहे हो, तो बढ़िया है ना, आना ही चाहिए। देखो आपका लाइफ में कुछ पर्पज़ होना चाहिए, ठीक है ना। ये पर्पज़ नहीं होना चाहिए कि आप उस इंसान से मिले थे, उसने आपको चीट कर दिया, उसने आपको धोखा दे दिया, तो आप बस अब पूरे तरीके से बिखर गए। क्यों भाई, क्यों? आपकी अपनी खुद की लाइफ नहीं है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, थोड़ा सा दूर होने का, बिल्कुल सही डिसीजन है आपका, क्योंकि तभी तो लोग को फील होगा ना।
मतलब अभी मैं बता दूं, आपने इतना रो लिया है, इतना रो लिया है, मतलब बहुत ही ज्यादा रो लिया, जिंदगी में कभी ना रोया होगा इतना, इतना जो इस इंसान के पीछे आपने रो दिया है। पता, मैं आपको बताऊँ ना, वो आपको मतलब एक ऑप्शन में रखे था, ठीक है, वो आपको ऑप्शंस में रखे थे, तो अभी भी ना उनको इतना फील नहीं हो रहा है कि वो गलत किया है उन्होंने। हल्का सा एकात कभी आ जाता होगा दिमाग में तो ही है, अदरवाइज वो आपके लिए कुछ फीलिंग्स ही नहीं रखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप इतने से हो और बोझ लियो इतना इतना, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है बताओ? आप तो फिर बीमार पड़ जाओगे, आप तो फिर दिमाग ही खराब हो जाएगा, आपको तो कुछ मन में कुछ में मन ही नहीं लगेगा कुछ काम करने में, नया सीखने में, जो आप ट्राई कर रहे हो नया सीखने की या फिर उस चीज से मूव ऑन करने की, ये चीज अच्छी है आपकी, ठीक है। देखो अब ना आपकी दोनों हाथ खाली है, लाइक अब आप फ्री हो चुके हो, ठीक है, अब भी आपको ये फ्री जो हो चुके हो आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है, अब आपको उस चीज में दोबारा से इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। तो अब आपके लिए जो मैरिज ऑफर आ रहे हैं, जो आपके लिए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो आपके करियर में भी काफी प्रपोजल आने वाले हैं आपको या आ रहे होंगे, तो आप ना फालतू के चक्कर में मत पड़ो, अभी आप उन पे ध्यान दो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, ठीक है। देखो गलतियां सब करते हैं, लेकिन उनसे जो सीखता है ना वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है जिंदगी में। देखो यहाँ पे हर कोई इमोशनल होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इमोशनल होते ही हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको उस चीज से स्ट्रांग बनना होता है। क्यों ये चीजें होती हैं? ताकि आप अपनी जिंदगी में कोई लेसन सीख सकें, ठीक है ना। इसलिए नहीं होती है कि आप रोएं, आप परेशान हो जाए, इसलिए नहीं करती है, लेकिन सिर्फ आपको इस चीज से परेशानी ना हो इसलिए ऐसी चीजें होती हैं, समझ रहे हो आप? जैसे अभी आपको बहुत गुस्सा हो रहा होगा कि मैम आपको क्या है कि आपने तो बोल दिया, तो ऐसी चीजें हो जाएंगी क्या? लेकिन देखो मैं तो समझा सकती हूँ आपको, बाकी ये आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ का डिसीजन है, मैं तो जितना हो सकता है मैं सही समझाती हूँ आपको। तो जहां तक मुझे दिख रहा है आप जिस चीज से मूव ऑन कर रहे हो आप मूव ऑन करो, क्योंकि इस चीज में स्टक रहने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है, किसी के साथ नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल थी या चल रही है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपको उस चीज से निकलना है। आप जो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो बिल्कुल करो, लेकिन आपको कभी भी अकेले नहीं बैठना है, बिल्कुल बिल्कुल से अकेले बैठ गए हो 3-4 घंटे के लिए, ये बिल्कुल कभी नहीं करना है। अकेले बैठना है 10-15-20-25 मिनट बैठ लो, इससे ज्यादा अकेले बैठने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप मतलब पहले दूसरे इंसान के लिए ना बहुत इनोसेंट थे, बहुत मासूम थे, लाइक आप उनकी हर बात सुनते थे, उनको लगता था कि ये जाएगा कहाँ या जाएगी कहाँ, ये तो मेरे पास आएगी, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा कुछ भी करूंगा तो कहीं नहीं जा सकती मेरे सिवा, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत परेशान करती थी, उनको बहुत अच्छी बहुत मजे आते थे उनको कि हाँ देखो कोई तो है ऐसा, और वो आपको चीट करते थे, ठीक है, ऑप्शंस बना के रखा था आपको, ऑप्शन बना के रखा था, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है कि आपको किसी का ऑप्शन नहीं बनना है, आपको किसी की जरूरत नहीं बनना है, आपको किसी की ऑप्शन नहीं बनना है, ठीक है, जरूरत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपके पार्टनर है ना बहुत गुस्से में भी होंगे, ठीक है, आपसे बात नहीं करेंगे अभी इस टाइम, ठीक है। तो ये थी हमारी पाई वन की रीडिंग, ठीक है, जिसको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते रहेंगे। मैं टैरो कार्ड्स हमेशा यूज करती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि इसको यूज करना जरूरी है, ठीक है। कैंडल में जो आती हैं चीजें वही होती हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। ओह, जो आप कर रहे हो ना अभी, आप अपनी जिंदगी में जब मूव ऑन करें, माय गॉड क्या स्थिति बनेगी ना आपकी, एकदम से फ्री,
चाइल्ड, बच्चा एक न्यू बॉर्न होता है ना, न्यू बॉर्न चाइल्ड जो दुनिया में किसी से मतलब नहीं रखता है, लाइक अपने माता पिता है उसके लिए और उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है और अपने काम से काम रखता है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र कई आने वाले हैं, बहुत ऑफ़र आने वाले हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑफ़र आएंगे आपको, ठीक है। ओ माय गॉड, वाओ, आपको जो ऑफ़र मिल रही है मैं बोल रही हूँ उसको एक्सेप्ट कर लो, आपको उससे अच्छी ऑफ़र नहीं मिल सकती है, आप एक्सेप्ट कर लो। वो इंसान बहुत मेहनती है, ठीक है, जो भी आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है अपनी ज़िंदगी में वो बहुत कुछ करता है। तो आपके जो ऐसे आपके जो पर्सन हैं जो आपको ऑफ़र मिल रही है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ बुरी देखी है, ठीक है, उनका भी कुछ बहुत गंदा सा एंड हुआ है तब जाके वो अच्छी चीज़ में आ पाए हैं। तो मैं बोल रही हूँ आपको जो ऑफ़र आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। 10 सन जिसके में आ जाए और शादी का कार्ड आ जाए फिर तो कहने क्या है, मैं बोल ही रही हूँ आपको मैरिज प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है और आप लग्जीरियस लाइफ जियेंगे, आप पुराने को छोड़ो आगे बढ़ो, बस दैट्स इट। तो ये थी हमारी पाइल वन की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी है। तो आप देखो आपके पर्सन जो है जिनको जिनकी तरफ से ऑफर आ रही है डेफिनेटली बहुत रिच पर्सन है, ठीक है, बहुत धनवान, सुख संपत्ति हर चीज़ है उनके पास और बहुत काइंड नेचर के हैं। सबसे मेन बात हो सब होते हुए भी उनको घमंड नहीं रहेगा कभी, ठीक है। तो ये थी हमारी पाइल वन की रीडिंग, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करो मुझे। और कल मदर्स डे था तो किस किस ने मम्मी के लिए अपनी केक वगैरह बनाया है या फिर क्या गिफ्ट दिया है ये भी मुझे बताना, ठीक है, और जो मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट करी है वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो शुरू करते हैं पाइल टू, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का कैंडल सेलेक्ट किया था। तो देखो आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली है, ठीक है, आप कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल सही है, बैलेंस बना रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि आप 5 of Cups की एनर्जी में ज्यादा हैं। देखो मैं बता दूं ना, आप इस चीज से एनर्जी से बाहर निकल जाओ, आपको बहुत सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है आपकी जिंदगी में। आपको अभी क्या लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल चले ही गए हो आप, हाँ आपकी जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो, क्योंकि ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि आपको ये फील हो कभी भी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। मेरे को यहाँ पे यही फील हो रहा है जिनका नो कॉन्टेक्ट है तो उसके साथ यही फीलिंग चल रही है अभी कि उसकी ज़िंदगी में लाइक कुछ भी नहीं बचा है, उसके उस इंसान के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि आप उसके लिए बहुत लॉयल थे, आप उसके लिए इतना कुछ करते थे कि मतलब उसको पहले ना उस जिसके लिए ज़्यादा करो ना उसको कभी भी उस चीज़ की फीलिंग नहीं आती है कि ये इंसान मेरे लिए इतना करता है, ठीक है। तो आपने किया है बहुत ज़्यादा, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, लेकिन आपको टेंशन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ आने वाली है अगर आप इस चीज़ से मूव ऑन करते हैं। 5 of Cups की एनर्जी से आपको बहुत जल्दी से मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप में ना, मैं बताऊं, आप में एक विनर क्वालिटी है, ठीक है ना, आप हर एक वो काम कर सकते हो, आप हर चीज़ वो कर सकते हो जो एक अच्छा इंसान करता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें जब किसी के ऊपर भी जब ये चीज़ें पड़ती हैं, ये सिचुएशंस आती हैं तो बहुत परेशान हो जाता है व्यक्ति, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप में सच में विनर क्वालिटी है, बहुत इनोसेंट है, तभी आप सबसे ज़्यादा दुखी रहते होंगे क्योंकि आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते होंगे, तो ये आपको काम नहीं करना है। मेरे को लगता है कि किसी जिस पर्सन ने आपको छोड़ा है या फिर नो कांटेक्ट है उसके लिए आपने बहुत ही ज़्यादा किया है और वो पर्सन लाइक आपने उसके हाथ पैर बहुत जोड़े हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत हाथ पैर जोड़े हैं, लेकिन उसने पत्थर पटक दिया आपके ऊपर कि तू कुछ भी कर ले मैं तेरा नहीं होऊंगा, ठीक है। तो यही कंडीशन बनती है यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों के लिए। अभी आपको क्या करना है ना, फ्री फील करना है, लाइक कुछ भी, देखो शुरुआत करनी है आपको, अभी आप जीरो बन गए हो, ठीक है, तो जीरो ही से शुरुआत करेंगे अपन, ठीक है, तो जीरो से जब शुरुआत करेंगे अपन तो करनी है ना अपन को शुरुआत, तो जीरो से हम शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3, ठीक है। मेरे को लगता है कि आप मतलब ऐसे इंसान थे जिसको फन लविंग
कह सकते हैं कि लोग आपको फन लविंग कहते हो, लोग आपको बहुत प्यार करते हो, लोग आपके साथ बात करना बहुत पसंद करते हो, तो ये चीज़ें भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस प्रॉब्लम में जहाँ पे आप फंस गए हैं, उस चीज़ से जैसे ही आप निकलोगे, समझ लो आपने रेस जीत ली। बताओ, सबसे बड़ी सिचुएशन तो अभी यही बन रही है कि आप इस चीज से, इस माहौल से जब वापस आएंगे ना निकल के, तो आप अपने आप को पूरा चेंज पाओगे। जहां आप दूसरों की, जहां पर आप उस इंसान की बहुत ज्यादा बात मानते थे, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे, लाइक आपको लगता था कि माँ बाप से भी ऊपर वो इंसान है, तो ये गलत है। सबसे पहले देखो, आपके माँ बाप खुश है ना तो दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, और ईश्वर भी वही चीज़ देखता है कि आपके माँ बाप खुश हैं अगर आपसे, तो फिर उस वो आपकी हर विश को पूरी कर सकता है। आपने इतना रो लिया है, इतना गा लिया है, क्या करोगे बताओ? इतना रो गा के, सब रोते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ठीक है, क्योंकि नेचुरल है, बहुत उदासी में है इस टाइम आप, बिल्कुल है। पर्सन ही बात नहीं करेगा तो उदास तो रहेंगे ही। देखो, आपके पास अब बहुत ऑफर आ रहे हैं करियर को लेके, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जॉब में भी कई ऑफर आपको मिल रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी गलत बात है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पे, इस चीज़ से आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। कितने दिन आप इसमें ही रहोगे बताओ? उसके लिए क्या रोना जिसने आपके लिए कभी ना रोया वो, बताओ? देखो, सच्चा प्यार करने वाला कौन होता है? जो आपका हमेशा साथ दे, ठीक है। बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं कि बोल दिया हाँ मैं शादी करूंगा, हाँ मैं ऐसे रहूंगा, लेकिन कोई करता है क्या बताओ? अगर वो आपसे दिल से प्यार करता होगा तो डेफिनेटली करेगा, नहीं करता होगा तो आपसे दूर हो जाएगा, फिर आपसे कांटेक्ट भी नहीं करेगा। तो यही चीजें हैं ना। बहुत काल, मतलब उसकी बहुत गंदी वाली नजर है, लाइक काली नजर कह सकते हो इसको, कि बस आपका बुरा देखना, आप परेशान हो रहे हो, आप रो रहे हो, उसको खुशी मिल रही है, तो भैया क्यों ऐसे कर रहे हो आप? उसको खुशी मिल रही है फालतू में ही। देखो, आप बहुत फ्री माइंड कर लो अपना, ठीक है। तो आपकी, आप सबसे पहले तो यही होता है कि जब आप सिचुएशन से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक क्या चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे? कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ना अपने करियर को, ना जॉब को, ना अच्छे इंसान को, कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे आप जब आप 5 और 4 कप्स की एनर्जी में रहोगे? तो बताओ, आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन आपको दिमाग यूज करना है, कंसंट्रेशन बनाना है, कॉन्फिडेंस रखना है आपको, और सेल्फ लव अफर्मेशन सबसे पहले देना है, क्योंकि आप खुद में एक पर्सनैलिटी हो ना यार। ऐसा तो है नहीं कि आप खुद में कुछ नहीं है और दूसरे लगे हुए हैं। देखो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, फालतू में काय को टेंशन ले रहे हो इतनी ज़्यादा। और देखो, वैसे भी बहुत कोविड चल रहा है तो आपको हेल्थ इशू भी हो सकता है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपको हेल्थ इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान। अब इस परेशानी से आपको केवल खुद ही निकल सकते हो आप, दूसरा आके कैसे निकाल सकता है बताओ? आपको मैं बोल सकती हूँ कि आपको इस चीज से निकलना है, लेकिन अगर आप मेरी बात मान लोगे तो ही निकलोगे ना, नहीं नहीं मानोगे मेरी बात तो कैसे पॉसिबल है कि निकल जाओगे इस एनर्जी से आप बाहर? आपको अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करनी है। अब सिर्फ आप सुबह से सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं, रात को पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं, खुद के लिए सेल्फ लव अफर्मेशन देने हैं। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, वो आप लोग देखो। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें आपको अट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अभी भी आप चाह रहे हो कि वो इंसान आ जाए मेरी जिंदगी में वापस, मैं बोल रही हूँ वो दूर जा चुका है, वो बहुत मुश्किल है कि आएगा। आप मन्नतें मिन्नतें विनती सब कर लो, लेकिन आएगा ऐसे नहीं वापस, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, फालतू में ही जबरदस्ती का मत पड़ो किसी इंसान के पीछे, क्योंकि किसी इंसान के पीछे पड़ोगे तो क्या होगा बताओ? इरिटेट हो जाएगा वो, फिर आएगा क्या वापस? बहुत जिंदगी में ना आपकी बहुत मार पड़ी हुई है, लाइक कि पूछो ही मत, बस आपको इसी चीज से तो निकलना है बाहर। ना
जॉब पे ध्यान दे रहे हो ना करियर पे ध्यान दे रहे हो ना, भैया सामने वाले पर्सन पे तो ध्यान दो जो आपको सच में प्यार करता है। ठीक है, आपकी जिंदगी में फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, बाकी लोग भी तो हैं भाई, पूरी दुनिया में एक ही बंदा मिला है क्या आप लोगों को? अब आपको बनना है स्ट्रांग, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं यार, चुटकियों में निकल जाओगे आप इस चीज से। ठीक है ना, आप खुद को एकदम से स्ट्रांग करके दीजिए को, आप खुद को मतलब आपको खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि मेरे को निकलना है, और मैं निकल चुका हूँ। प्रेजेंट टेंस में सारे टेंस बोला करूँ। अच्छे, तो आपकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन आप सही मायने में दिमाग यूज करें तो ठीक है। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए पाइल 2। ओके, तो अभी भी आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो उस इंसान को, जब मैं बोल रही हूँ उसको देखना ही नहीं है, काय को देख रहे हो भैया? आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है धीरे धीरे, बहुत आपको सुख सुविधाएं होंगी उससे। ठीक है ना, आपको ज्यादा टेंशन लेने ही नहीं देगा वो। डेफिनेटली बहुत सारे ऑफर आने वाले हैं, अगर इस पर्सन से चाहते हो बात करना, बाई चांस हो जाए, नॉट पॉसिबल बट ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है। इतना हार्ड वर्क, मैं क्या बोलूँ, इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो भाई उसके लिए, उस इंसान के लिए क्या करोगे? हैं, वो तो अभी हैंग पोजीशन में है, वो नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। जब तक आपकी सारी अच्छी चीज़ें छूट जाएंगी तो आपको वो काम नहीं करना है, ना क्यों पड़े उसके पीछे भाई, पूरा कप्स की एनर्जी में हो, क्यों हो, मैं बोल रही हूँ नहीं रहना है, रोज समझाती हूँ समझते ही नहीं हो, है? उसका भी ईगो एटीट्यूड है भाई, मेरे को लगता है वो हाइट में अच्छे हो सकते हैं, देखो दिल टूटेगा, समझ रहे हो बात, मान लो मेरी, फिर से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में तोड़े रहो भैया दिल में, क्या बोलूँ आपको, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपको जो ऑफर आएंगे उसको एक्सेप्ट करो, टावर मूवमेंट आ जाएगा इसके साथ, इस इंसान के साथ, ये आपका साथ नहीं देगा, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ ये इंसान वापस नहीं आएगा जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बाकी ईश्वर की मर्जी। तो और अगर आएगा ना, अगर आएगा भी ना, तो बहुत बहुत मशक्कत है, बहुत हार्ड वर्क है, ठीक है ना, तो मैं सच्ची बोलती हूँ, फालतू का नहीं बोलती हूँ। और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने अपनी कल मॉम के लिए क्या किया था, और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है कि नहीं, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी है, जिसको जेन्यूनली प्लीज़ रीडिंग करानी है, जिसको जेन्यूनली, और तो वही मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं ही रिप्लाई करूँगी, डोंट वरी, अब सब सही है, और पेड रीडिंग्स हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।